हेलो एवरीवन, आज है 18 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में। देखिए, 216 रुपए का ये शेयर है, 2.5% का आज ग्रोथ आया है, जबकि मार्केट में आज एक बहुत बड़ी गिरावट थी। बड़े से बड़े दिग्गज शेयर 5-10% की गिरावट लेकर बैठे हुए हैं आज, और ऐसे में आईटीसी के शेयर्स में बढ़िया तेजी है और पिछले कुछ दिनों से ये तेजी बरकरार है, क्योंकि भाई साहब डीमर्ज होने की तैयारी की जा रही है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये डीमर्ज की क्या प्रोसेस है, किस तरीके से कंपनी को डीमर्ज किया जाएगा, बांटा जाएगा, उन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि हाल फिलहाल में खरीदने का ये मौका है कि नहीं यहाँ पर। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आईटीसी लिमिटेड 216 रुपए का ये शेयर है, पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में 1% की गिरावट है। लेकिन आप देखिए, 218 रुपए का शेयर था, टूट के नीचे आया, 204 पे गया, तेजी आई, 210 पे पहुंचा, वापस टूट के 205 रुपए तक चला गया। लेकिन डीमर्ज की खबर ने पिछले 2 दिनों में 205 रुपए का शेयर 3 दिनों में 216 रुपए पर खड़ा कर दिया है। अच्छी खासी तेजी आई है, वो भी गिरावट के मार्केट में। पिछले 2 दिनों से मार्केट टूट रहा है, कल भी टूटा था, आज भी टूट रहा है, और बड़ी गिरावट है ये। इतनी बड़ी गिरावट में भी आईटीसी के शेयर्स में बढ़िया रैली बनी हुई है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 43% का ग्रोथ आया है। 147 रुपीज तक कोरोना काल में शेयर टूटा था, फिर तेजी गिरावट तेजी गिरावट तेजी, 234 रुपए तक पहुंच गया। लेकिन उसके बाद Q3 के रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे। जो सेलिंग्स थी इनके मेन बिजनेस की, टोबैको और सिगरेट की, उसमें गिरावट देखने को मिली थी और इसी वजह से शेयर टूट के बिखर गया, 204 रुपए तक पहुंच गया। लेकिन अब डीमर्ज की एक खबर ने फिर से इसमें जान फूंक दी है और यहां से रफ्तार की शुरुआत हो चुकी है। न्यूज कुछ इस तरीके से है कि आईटीसी डीमर्ज ऑन कार्ड, मतलब कंपनी डीमर्ज होने, क्योंकि आईटीसी में अगर हम देखें तो एक नहीं कई सारे बिजनेस है। FMCG का बिजनेस है, यहाँ पर आई होटल बिजनेस है, इन्फोटेक का भी इनका बिजनेस है, उसके अलावा जो मेन बिजनेस है सिगरेट और टोबैको वो भी यहाँ पर शामिल है। तो इन सब कुछ बिजनेस को यहाँ पर डिवाइड किया जाएगा, अलग किया जाएगा। तो यहाँ पर जो अनिल संघवी जो है उनका मानना है कि बहुत बड़ा कॉरपोरेट इवेंट होने वाला है, साल का सबसे बड़ा कॉरपोरेट इवेंट ये हो सकता है। और यहाँ पर क्या होगा कि आफ्टर डीमर्ज देयर वुड बी इमर्ज एज मैनी एज 3 कंपनीज। तो देखिए, ये कोई शॉर्ट शॉर्ट चीज नहीं है कि भैया ये कंपनी हो ही जाएगी, ठीक है, ये बस एक पॉसिबिलिटीज है कि ऐसा हो सकता है। कंपनी अगर डीमर्ज के बारे में सोच रही है, मतलब कंपनी डीमर्ज करेगी, तो इनका एक होटल बिजनेस अलग हो सकता है, एक FMCG बिजनेस अलग हो सकता है, एक इन्फोटेक का जो इनका इस बिजनेस है वो अलग यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर आप देखिए कि डीमर्ज की अगर हम बात करने जाए तो देखिए, कंपनी विल डिवाइडेड इन 3 सेगमेंट्स एंड वैल्यू अनलॉकिंग विल बी डन। मैनेजमेंट ऑफ आईटीसी सेड दैट दे डोंट वांट टू कमेंट ऑन डीमर्ज न्यूज एट दिस स्टेज। देखिए, कंपनी की थोड़ा तो सीधा सीधे तौर पर बता दिया जाए कि भैया हम इसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहते हैं अभी हाल फिलहाल में। तो ये बस जो भी खबर आ रही है डीमर्ज की, ये बस एक पॉसिबिलिटीज है, लोगों का अपना अजम्पशन है कि भाई साहब ऐसा हो सकता है। यहां पर अगर हम बात करने जाए तो जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर जो है अनिल संघवी, उनका ये मानना है कि इफ आईटीसी डीमर्ज हैपेंस देन इट विल बी द बिगेस्ट कॉर्पोरेट इवेंट ऑफ द ईयर। इन्वेस्टर हैव बीन पेशेंट एंड आर वेटिंग फॉर सम पॉजिटिव न्यूज टू कम रिगार्ड डीमर्ज। देखिए, तो पिछले काफी वक्त से आईटीसी के शेयर में तेजी नहीं थी, बहुत सारे शेयर्स दौड़ रहे थे लेकिन आईटीसी के शेयर में तेजी नहीं थी। लेकिन अगर डीमर्ज का प्रोसेस होता है तो याद रखिए, सबसे बड़ा कॉर्पोरेट इवेंट होगा और जिन लोगों ने आईटीसी के शेयर में खरीदारी की है उनको कहीं ना कहीं एक राहत मिलेगी, क्योंकि तेजी आएगी उसके चलते। देखिए, तो उनका ये भी मानना है कि FMCG बिजनेस में भी सेपरेट फ्लैगशिप कंपनी, तो अगर हम कंसिडर करने जाए तो भैया वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है इनका। दूसरा एक चीज ये है कि इनका होटल बिजनेस जो लॉस मेकिंग है, क्योंकि भैया कोरोना काल में सारे होटल्स अभी अगर हम देखें तो लोग नहीं जा रहे हैं, टूरिज्म बिजनेस ठप पड़ा हुआ है, होटल्स के कमरे खाली पड़े हुए हैं।
तो ऐसे में इनका होटल बिजनेस अभी लॉस में है, वेयर आईटीसी के पास 1,14,000 जितने कमरे हैं, मतलब इतने बड़े बड़े होटल्स इनके 500 होटल देखने को मिलते हैं। तो जिनका जो वैल्यूड है वो तकरीबन तकरीबन 20,000 करोड़ से 25,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, जबकि इन्फोटेक बिजनेस भैया वो बहुत ही छोटा बिजनेस है, बहुत ही छोटा बिजनेस है। और आईटीसी नहीं चाहता कि भैया हम इस बिजनेस को कंटिन्यू करें, तो उसको हो सकता है कि वो बेच दे और 4 से 5 हज़ार करोड़ रुपए से जुटा ले, क्योंकि इन्फोटेक का बिजनेस देखिए आईटीसी कई सारे जगह पे अपने पैर पसार चुका है, जिसमें से इनका मेन सिगरेट का बिजनेस हो गया, टोबैको का बिजनेस हो गया, एफएमसीजी में कंपनी एक के बाद एक नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, होटल बिजनेस है, एग्री बिजनेस है, कई सारे बिजनेस है। तो यहाँ पर इन्फोटेक बिजनेस है, उसको ठीक से उतना ज्यादा कंपनी इंटरेस्टेड नहीं हो आ रहेगी इसको चलाने के लिए, ये भी एक अजम्पशन है, ठीक है, ये पॉसिबल, ये श्योर शॉट चीज नहीं है, ये भी एक अजम्पशन है कि शायद ऐसा हो सकता है। और इसी के लिए आप देखिए यहाँ पर, लेकिन एक चीज ये भी है कि डीमर्ज की जो प्रोसेस है वो 3 महीने भी ले सकती है, 6 महीने भी ले सकती है, या फिर 1 साल तक भी ले सकती है, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है, कंपनी बहुत बड़ी है, और इट कैन कॉन्क्रीट और सिगरेट बिजनेस है, पेपर बिजनेस है, आटा बिजनेस है, एफएमसीजी, बहुत सारे बिजनेस है इनके। तो भाई साहब इतनी बड़ी कंपनी अगर जब डीमर्ज होगी, वो भी एक दो कंपनियों में, तो कहीं ना कहीं टाइम लगेगा, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक का भी टाइम लग सकता है, लेकिन एक चीज यहाँ पर श्योर है कि लोगों का पैसा फ्यूचर में बनने वाला है, और इसीलिए आईटीसी के शेयर में बढ़िया तेजी है। देखिए ये आईटीसी की वेबसाइट है, इनके अगर आप ब्रांड्स देख ले जो खा सके हम देखने की कोशिश करें, तो आशीर्वाद, सनफिश, बिंगो, किचन ऑफ इंडिया, येपी, बी नेचुरल, मिंटोन, कैंडीमैन, गमोन, फैबल, सनबीन, वंडरस्विंग, आईटीसी, मास्टरशेफ, फार्मलैंड, फियामा टेबल्स, ड्रीम फार्म, फियामा विवेल, एंगेज, सुपीरियर, नीम वॉश, सेवलॉन, अलग अलग ब्रांड देखने को मिल रहे हैं, क्लासमेट की नोटबुक से लेकर पेपर पेन तक आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रही है। तो कई सारी अलग अलग ब्रांड्स हैं, आप ही के घर में इनकी कई सारी प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगी, और कंपनी भी देखने जाए तो भैया छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है ये, लेकिन पिछले काफी वक्त से कंपनी उतने अच्छे प्राइस पे ट्रेड नहीं कर रही थी, लेकिन डीमर्ज की खबर ने तेजी ला के रखी है, क्योंकि अगर डीमर्ज होता है तो कहीं ना कहीं आपको उनका भी शेयर्स मिलेगा, जिसके पास आईटीसी का शेयर होगा, तो जो नई कंपनी फॉर्म होगी उसका भी शेयर्स मिलेगा। लार्ज कैप शेयर है, 2,60,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है, एनएससी में अगर हम देखें तो तकरीबन तकरीबन 8 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है, बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी बिकवाली हो रही है। यहाँ पर देखिए 13.31% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 9.35% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 21.57% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करती है, हाईएस्ट पब्लिक शोल्डर में टोबेको मैन्युफैक्चर इंडिया लिमिटेड है 24.20% की होल्डिंग के साथ, और आप देखिए 350 जितने म्यूचुअल फंड और 866 एफआईएस का पैसा लगा है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 12.15% के आसपास देखने को मिली, और डिविडेंड भी बढ़िया पे किया है 500% का, मतलब पर शेयर आपको 5 रुपए का डिविडेंड पिछले महीने 22 फरवरी को इसकी एक्स डेट थी तब आपको इसने पे किया था, बढ़िया डिविडेंड भी पेइंग शेयर है ये, टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है, और डीमर्स की खबर ने इसमें एक नई रौनक की नई जान फूंकी हुई है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 79% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 4% लोग होल्ड करने की, मतलब 83% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि 17% लोग आपको बेच के निकलने की भी सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छे और बड़े टारगेट प्राइस बताया जा रहा है, इनके जो रेवेन्यू है वो भी शानदार है, बढ़िया है, 14,000 करोड़ तक के रेवेन्यू है, और प्रॉफिट्स भी आप अगर देखेंगे तो 3,600 करोड़ तक के प्रॉफिट्स देखने को मिल रहे हैं, हालांकि पिछले साल के मुकाबले कम है, क्योंकि इनका जो मेन बिजनेस था सिगरेट और टोबेको, उसके जो रेवेन्यूज थे उसमें 10-12% की गिरावट आई थी, लेकिन फिर भी इनका जो एफएमसीजी बिजनेस है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन होटल बिजनेस अभी भी उतना परफॉर्म नहीं कर रहा है, लॉस मेकिंग आप इसको कह सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ा बिजनेस वो भी है। आईटीसी डीमर्ज की खबर ने तेजी ला के रखी है, लेकिन अब डीमर्ज क्या होगा, किस तरीके से होगा, उसके बारे में कंपनी ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की है, और ना ही कंपनी ने इसके बारे में कोई बात करने के लिए इंटरेस्ट जताया है, तो ओवरऑल अभी हम सिर्फ अजम्पशन लगा सकते हैं कि भैया ये होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन हाँ डीमर्ज जरूर होने वाला है यहाँ पर, और इसके चलते आईटीसी में तेजी देखने को मिलेगी। पिछले 2 दिनों से मार्केट बड़ी बड़ी गिरावट लेके बैठा है, कल 600 पॉइंट शेयर टूटा था पूरा मार्केट सेंसेक्स, और आज भी 600 पॉइंट टूट चुका है सेंसेक्स, लेकिन फिर भी आईटीसी के शेयर्स में रफ्तार देखने को मिली है, और ये रफ्तार आने वाले दिनों में और कंटिन्यू भी रह सकती है, टारगेट्स बड़े हैं इसके, बने रहिए आईटीसी के साथ, और जब भी गिरावट आए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाइंग का मौका बनता है,
गवाइएगा मत ये मौका, लॉन्ग टर्म के लिए रहिए यहाँ पर, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म का गेम खेलिए, जब तक डीमर्ज नहीं होता तब तक बने रहिए यहाँ पर। हालांकि कितना वक्त लगेगा ये कहना मुश्किल है, जैसे कि मैंने आपको अभी पहले दिखाया कि 3 महीना भी लग सकता है, 6 महीना भी लग सकता है, या फिर 1 साल भी लग सकता है, कंपनी बड़ी है, प्रोसेस होने में वक्त लगता है। तो वेट एंड वॉच का सिलसिला यहाँ पर रहेगा खरीदारी करने के बाद, और अगर थोड़ा बहुत भी गिरे तो बाइंग का मौका यहाँ पर हमेशा बनता हुआ नजर आएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आईटीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।